नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर कंसोलिडेट फंक्शन कैसे यूज़ करते बोल के। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इससे पहले के एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने मेरा जो पहला वीडियो के अंदर मैंने जो बनाया था इससे पहले के जो वीडियो के अंदर, तो वहाँ पर जो हम जो करे थे यहाँ पे शीट वन का, शीट टू और शीट थ्री का जो टोटल हम शीट फोर के अंदर डिस्प्ले किया था, तो उसके लिए हम जो लिखे थे फार्मूला, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू सम शीट वन कोलन शीट थ्री फ्रॉम B3 सेल, यानी B3 कॉलम। सो B3 कॉलम जो भी, मतलब जो कॉलम जो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है, सेल सेल का जो एड्रेस है सेम होना चाहिए डिस्प्ले करने में, ये होता है। लेकिन आज जो हम इस एग्जांपल के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो है अलग अलग सेल के अंदर डेटा है, लेकिन दो डेटा जो है हमको कैलकुलेट करके बताना है, यानी टोटल करके बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पर टेबल प्रिपेयर किया, उसका नाम है पर्सन एक्सपेंसेस बोल के, और यहाँ पर कुछ कॉलम भी मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे कि नेम, अमाउंट और मंथ बोल के। तो अभी हमको यहाँ पर आप अगर आप नाम के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि गणेश बोल के जो लिखा यहाँ पे अमाउंट जो है 2000 रुपीज़, हरी बोल के जो है अमाउंट यहाँ पे 5000 रुपीज़, शिवा बोल के जो है यहाँ पे अमाउंट उसका 7000 रुपीज़, फिर गणेश बोल का गणेश का नाम रिपीट हो यहाँ पे, फिर शिवा का नाम रिपीट हो, फिर हरी का नाम यहाँ पे रिपीट होगा। तो अगर इनका ग्रुप टोटल भी अगर बना के बताना है यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम कंसोलिडेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसमें यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंपल लेबल प्रिपेयर किया यहाँ पे, जैसे कि नेम और अमाउंट बोल के, तो नेम के पीछे यहाँ पे यानी जो यहाँ से कर्सर में रख के, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा यहाँ पे डेटा मेन्यू में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं डेटा मेन्यू के अंदर हूँ। डेटा मेन्यू के बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ पे कंसोलिडेट पे ऊपर। जैसा आप कंसोलिडेट आप बोलेंगे तो जो पहले के यहाँ पे जो सेल का रेफरेंसेस है वो आप यहाँ से मैं निकालूंगा यानी डिलीट करूँगा। तो अभी हमको यहाँ से करना है सबसे पहले ये जो रेंज है, तो रेंज सेलेक्ट करना है यहाँ पे जो बता रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस बोल के, तो इस पर आप क्लिक कीजिए ताकि हम रेफरेंस को लेंगे यहाँ पे जो 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 रेंज है पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब नेम से लेकर अमाउंट तक हमको रेंज मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद में इसको आप ऐड बोल दीजिए उसको, फिर बाद में मुझे लेफ्ट साइड का जो जो नेम्स है हमको डिस्प्ले करना है यहाँ पे, जो लाइक लेफ्ट कॉलम का जो नेम है डिस्प्ले करना। अगर आपको टॉप का भी डिस्प्ले करना है तो वो भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट कॉलम बोल के ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसा मैं ओके बोलूँगा यहाँ पे गणेश उसका जो 4500 रुपीज़ आया यहाँ पे यानी एक्सपेंसेस, और हरी का 9000 रुपीज़, यानी जो हरी जो है यहाँ पे डेटा, एक जो डेटा यहाँ पे 5000 बता रहे और दूसरा जो डेटा बता रहे यहाँ पे 4000 रुपीज़ बता रहे, यानी इनका टोटल आके टोटल होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों बेसिकली कंसोलिडेट फंक्शन इन सेम शीट के अंदर अगर आप करना है। तो देखिए अगर आपका डेटा जो है अलग अलग शीट के अंदर है, जैसे कि मैं शीट वन के अंदर कुछ मैंने डेटा लिखा यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है B2 सेल के अंदर, यानी B2 के अंदर कुछ वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे 2, 3, 4, जैसे कि यहाँ पे B2, B3, B2, C2 वगैरह। तो ये जो वैल्यू स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे यानी B कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा मेरा और एक जो शीट है तो ये शुरू हो रहा है एकदम स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में, जैसे कि यहाँ पे A1 से शुरू हो रहा है यहाँ पे, और ये जो डेटा है यहाँ पे। सो लेकिन कॉलम जो है सेम कॉलम है, जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पर भी, और इधर जो जो फर्स्ट जो सीट है उसमें भी जनवरी फरवरी मार्च, यानी दो तीन कॉलम का यहाँ जो डेटा मैंने प्रिपेयर किया। तो ये दोनों का डेटा मुझे कोई तीसरा सीट के अंदर चाहिए, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा, फिर से मैं डेटा मेन्यू के अंदर जाऊँगा यहाँ पे, उसके बाद में मुझे क्लिक करना है कंसोलिडेट। जैसे मैं कंसोलिडेट बोलूँगा तो ये रेफरेंस विंडो यानी जो कंसोलिडेट के जो फंक्शंस आएंगे यहाँ पे, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा शीट वन पे जाके पूरा जो रेंज है यानी जो उसका जो रेफरेंस में कर रहा हूँ यहाँ पे जो इस टेबल का, तो उसके बाद में आप इसको ऐड कर दीजिए, फिर बाद में आप इस पर फिर से यहाँ पे इसको रेफरेंस पे क्लिक कीजिए और शीट टू के अंदर जाइए फिर से, क्योंकि ये जो सेलेक्ट करना है हमको शीट टू का वैल्यूज़, उसके बाद में इसको फिर इस पर क्लिक कीजिए और इसको भी आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद में अब दोस्तों यहाँ पे हमको टॉप रो जो है ये बताना है पे, टॉप रो बताना है पे। उसके बाद में उसके अलावा और क्या करना है पे, सो क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। अगर आप शीट वन शीट टू में कुछ डेटा आप मॉडिफाई करते तो अपने आप वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो मैं नया शीट बना रहा हूँ शीट थ्री के अंदर जो डेटा हो रहा है। तो अभी आप इसको ओके बोल दीजिए। सो देखिए यहाँ पे जो डेटा आ गया यहाँ पे जो टोटल होके आ रहे हैं यहाँ पे दोनों शीट का, शीट वन और शीट टू का। अभी चेक करेंगे यहाँ पे जो शीट वन के अंदर जो मेरा जो डेटा है फर्स्ट डेटा वो है बी टू के अंदर जो डेटा मैंने लिखा यहाँ पे 2 बोल के है, और सेल टू यानी जो शीट नंबर 2 में इसमें जो है 5 है, तो 5 + 2 जो यहाँ पे मुझे बता रहा है 7, तो ये सही है। तो बाकी जो भी है यहाँ पे जो पूरा करेक्ट डेटा आ गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों बेसिकली डेटा कंसोलिडेट कर कैसे करना, मतलब अगर अलग अलग मल्टीपल शीट से अगर आपको डेटा एक ही शीट के अंदर उसका डिस्प्ले करना है, यानी टोटल जो भी एवरेज मैक्सिमम मिनिमम जो भी
जो फंक्शंस हमको यूज़ करना है, तो आप ये इससे ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एग्जांपल ऑन कंसोलिडेट फंक्शन। अगला वीडियो के अंदर फिर नया एग्जांपल लेके आऊँगा। अगर आप नया हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद।